हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमारा अभिषेक में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 और ये क्वेश्चन 16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान मतलब पहला पुरस्कार अगर मान लेते हैं एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस 20 होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा एक्स माइनस 40 हो जाएगा, ऐसे 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, तो कुछ मान लेते हैं, तो माना कि पहले पुरस्कार की राशि हम एक्स रुपये मान लेते हैं, ठीक है। यह मान ली तो दिया क्या क्या है, दिया है हमारा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तब पहला राशि तो एक्स हो जाएगा, एक्स रुपये, और डी क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो रहा है, माइनस 20 कम है, मतलब ये अगर पहला हो गया तो इसमें माइनस 20 हो जाएगा, फिर उसमें माइनस 20 होगा, इसी तरह तो हमारा डी क्या हो जाएगा, माइनस 20। और हमारा 700 क्या बोल रहा है कि 7 पुरस्कार के 700, मतलब S7 बराबर हमारा 700 रुपये हो गया, मतलब N बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें निकालना ये है कि प्रत्येक पुरस्कार कितना कितना देना है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार कितना है, दूसरा पुरस्कार कितना है, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो चूँकि S7 है ना, तो S7 बराबर क्या है, 700, तो S7 का सूत्र क्या होता है, N/2 × 2a + N-1 × d, ये हमारा सूत्र हो गया 700। या और n का मान हमारा क्या है, 7/2, या और ये हमारा x माने थे तो x हो जाएगा, और प्लस n हमारा 7 - 1 इंटू d है क्या, इंटू -20, ठीक है, ये -20 हो गया और ये हमारा 700 इधर हो गया। अब या 7/2 और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x है ना, तो 2x और ये 2x तो रह जाएगा, और ये जो है 6 हो जाएगा, और 6 हमें इस -20 से गुना करेंगे, तो 6 में -20 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -120, ठीक है। 6 × 12 = 120 हो गया, ये हमारा हो गया बराबर 700। अब 700 हम इस वाले पार्ट को उस पार भेजेंगे, तो इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो यह 2x - 120, ठीक है, बराबर 700 बटे 7/2। अब ये 2x - 120 बराबर ये उलट जाएगा, तो 700 इंटू 2 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, तो 7 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, तो या 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा, अब -120 है तो इधर जाके +120 हो जाएगा, ठीक है। तो या x बराबर क्या हो जाएगा, ये 320 हुआ ना, तो बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये बटे 2 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे कटा देंगे, तो ये हमारा 16 160 बार में कट गया, तो इसलिए हमारा x बराबर 160 निकल गया। x बराबर मतलब पहला पुरस्कार हमें निकल गया, इसमें हम क्या करेंगे, 20 अंतर करते चलेंगे तो हमारा 7 पुरस्कार निकल जाएगा, तो ठीक है ऐसे ही। तो अतः पहले पुरस्कार की राशि हम क्या माने थे, x रुपये माने थे, तो x रुपये हमारा क्या निकला है, 160, तो हमारा ये 160 रुपये हो गया। तो अतः ऐसे हमारा दूसरा चलेगा, तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा,
20 कम हो जाएगा तो ठीक है, 160 अब माइनस 20 इतना रुपए हो जाएगा, बराबर ये कितना हो गया 140 रुपए। ये हो गया। अब क्या होगा हमारा तीसरा, तीसरे पुरस्कार की राशि, तीसरा पुरस्कार क्या होगा, अरे इसमें इसमें 20 कम होगा ठीक है, तो इसमें 20 कम हो जाएगा, इतना रुपए हो गया बराबर 120 रुपए हो गया, तीसरा पुरस्कार हमारा निकल गया। अब चौथा पुरस्कार निकालते हैं, तो चौथे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगा, इसमें 20 कमेगा तो 120 अब माइनस 20 हो जाएगा, इतना रुपए हो गया बराबर चौथा पुरस्कार हमारा 100 रुपए हो गया। अब पांचवा पुरस्कार, पांचवे पुरस्कार की राशि, तो ये हमारा 100 प्रत्येक में 20 कम रहा है ना, इतना रुपए हो गया तो ये हमारा 80 रुपए हो गया ठीक है, 80 रुपए हो गया। अब छठे पुरस्कार, छठे पुरस्कार की राशि, ये हमारा क्या है, इसमें 80 में 20 घट जाएगा तो ये इतना रुपए हो गया, कितना रुपये, 60 रुपए हो गया। अब क्या होगा सातवां लास्ट तथा सातवें पुरस्कार, सातवें पुरस्कार की राशि, सातवें पुरस्कार की राशि क्या होगा, 60 माइनस 20 रुपए तो ये हमारा कितना हो गया 40 रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। इतना है, ये देखिए पहला पुरस्कार क्या हुआ 160, 140, 120, चौथा 100, पाँचवा 80 और छठे 7 और सातवां क्या हो जाएगा 40, ये हमारा निकल गया। तो हमें निकालने क्या हो रहा था, प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालने, तो हमारा प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल गया, आंसर निकल गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।